वेलकम टू स्टेप अप, आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 21 दिसंबर 2018, तो आइए हम अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास आज ऐसे राइटिंग के लिए क्या है। हमारे पास महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट आज है, विक्ट्री अटेंड बाय वायलेंस इज टेंटामाउंट टू डिफीट फॉर इट इज टेम्परेरी। अगर वायलेंस के जरिए किसी विक्ट्री को अटेन किया जा रहा है तो वो डिफीट के बराबर ही है। अगर आपने जीत हिंसा के सहारे हासिल की है तो वो हार के ही बराबर है, क्योंकि ये जीत टेम्परेरी होगी, आप इसे बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। देखिए, गांधी जी का बहुत ही विजनरी कॉन्सेप्ट था कि अगर हिंसा के आधार पर आज़ादी पाई जाए या जीत पाई जाए तो उस जीत का श्रेय भी उन लोगों के हाथों में जाता है या सत्ता उन लोगों के हाथों में जाती है जिन्होंने वायलेंस का सहारा लेकर उस जीत को हासिल किया होता है। और जो जीत हासिल करने के लिए वायलेंस का सहारा ले सकते हैं वो जीतने के बाद क्या करेंगे, इसीलिए ऐसी जीत को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिए हैं इंडिया और पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो वायलेंस के बेसिस पर है, वहाँ आज सिचुएशन क्या है यू कैन सी। दैट्स वाई गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों से भी हिंसा के सहारे आज़ादी लें, क्योंकि उसके बाद जो आज़ादी हमें मिलती शायद हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो महात्मा गांधी जी के इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, पुलिसमैन ट्रेन डाइसेल्फ। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को लेकर और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं उनके रोल को लेकर। एक और आर्टिकल है जो आपको इम्पॉर्टेंट लग सकता है, वो GDP के बैक सीरीज डेटा का जो रिवीजन किया गया है उसके बारे में है। बट आर्टिकल के कोर में जो बात है वो ये है कि वर्तमान सरकार का जो इंटेंशन है ये बैक सीरीज डेटा को रिवाइज करने का वो ठीक नहीं है। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो वही था कि वो वर्तमान सरकार जो है वो अपनी GDP ग्रोथ को प्रीवियस गवर्नमेंट से ज़्यादा दिखा सके, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये बैक सीरीज का डेटा रिविजन किया गया है। तो इसीलिए मैं उस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ। कल हमारा एक आर्टिकल रह गया था ऑन पुलिस रिफॉर्म जो हमने कल छोड़ दिया था, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे और जो दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में हैं हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा है वही जो कल का आर्टिकल हमने स्किप किया था या आज के लिए पोस्टपोन किया था। पेपर 4 से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। देखिए, कई बार जब भी आपसे कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म में क्या होना चाहिए या पुलिस के पास क्या दिक्कतें हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल विल। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी है, नहीं तो पुलिस अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन राइटर का ये मानना है कि पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना भी जो पुलिस लीडरशिप है वो काफ़ी कुछ रिफॉर्म पुलिस के अंदर कर सकते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, जो कि पुलिस की अच्छी फंक्शनिंग में मदद कर सकता है। हम हर दिन देखते हैं कई तरीके की दिक्कतें पुलिस फेस करती है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, इमरजेंसी की सिचुएशन में रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस घटना होने के बाद पहुँचती है, तो इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी पुलिस की कई बार काफ़ी वीक देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं का निदान अगर अच्छी तरीके से कर लिया जाए तो डेफिनेटली पुलिस अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। आर्टिकल में और क्या बातें हैं हम जानते हैं। देखिए, इस महीने जो मोस्ट सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं पूरी कंट्री के वो गैदर होंगे और नेशनल कंसर्न के जो मैटर्स हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। यही कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल के एक्चुअली में, कि ये आर्टिकल आखिर पब्लिश क्यों किया गया है, बिकॉज जो मोस्ट सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं, पूरे देश से बातचीत की जाएगी, क्या कंसर्न्स हैं कैसे एड्रेस किया जाएगा। देखिए, जो मीटिंग है वो तो क्लोज डोर होगी, मतलब क्या क्या बातें होंगी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजिस में होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो अंदर ही रहेंगी। लेकिन अभी देखिए, ये जो पूरा इशू है इसके इतर कुछ और अन्य इशूज़ हैं जिनको काफ़ी मीडिया में तवज्जो मिली है, वो हॉट टॉपिक्स रहे हैं इस ईयर के, जैसे कि फेक न्यूज़, मॉब लिंचिंग और न्यूली इन्वेंटेड बट अनडिफाइंड अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल्स का कॉन्सेप्ट अभी इमर्ज होकर आया और क्या उसकी क्लियर कट डेफिनेशन है ये तो अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन अर्बन नक्सल कहा जाएगा, किसी के पास मॉइस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित या फिर एक्सट्रीमिज्म से संबंधित कोई बुक है जिसे वो पढ़ता है तो उसे नक्सल डिक्लेयर किया जाएगा, या फिर क्या उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, ऐसी कुछ क्लियर कट डेफिनेशन तो है नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो इशूज़ हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। तो डेफिनेटली राइटर उम्मीद करते हैं कि जब ये मीटिंग होगी तो इन मुद्दों पर भी डिस्कशन ज़रूर होगा, इनका भी जिक्र ज़रूर किया जाएगा। हालांकि जो भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा इन मुद्दों का वो ट्रांजिएंट होगा, वो एक क्षणिक फिनोमेना होगा, थोड़े समय के लिए उन पर डिस्कशन होगा, फिर वो इशू पीछे चला जाएगा।
इन सभी चीज़ों के बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाएगी वो ये है कि पुलिस का जो रोल है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसमें पुलिस अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। ये तो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, फेक न्यूज़, मॉब लिंचिंग, अर्बन नक्सल्स को अगर आप थ्रेट कह रहे हैं तो ये सब एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। इसके अलावा इंटरनली कई तरीके की प्रॉब्लम्स को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को पुलिस हर दिन फेस करती है और कई तरीके की इंजरीज उसके सामने आ जाती हैं। कई बार वो खुद की जनरेट की हुई होती हैं और कई बार वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से आती हैं और इससे पुलिस लगातार लड़ रही है। अब इस स्थिति में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पुलिस फेस कर रही है? देखिए, पुलिस में जो दिक्कतें हैं, जो रोग है, उसके इतने ज़्यादा एविडेंसेस हैं कि उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। पुलिस का रोल 1984 के वायलेंस अगेंस्ट सिक्स वाले केसेस में, गुजरात वायलेंस 2002 में, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जो केसेस आते रहते हैं, पुलिस जो एक्सेस यूज़ करती है फोर्स का, सिलेक्टिव यूज़ किया जाता है प्रोसेस का और माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है कई बार, और महिलाओं को सेफ्टी का एक इन्वॉल्वमेंट देने में जो पुलिस फेल रहती है, ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर पुलिस सिस्टम में या पुलिसिंग में जो दिक्कत है वो हमारे सामने आ जाती है। तो पुलिसिंग में प्रॉब्लम है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। कई और सारे केसेस हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, आपके दिमाग में वो बातें आ गई होंगी, बट अभी आर्टिकल में ये पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। ये तो एक दिक्कत हुई। दूसरी दिक्कत कि जो एवरीडे परफॉर्मेंस है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो पुलिस का बहुत स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है। कई तरीके के शॉर्टेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है, ये कुछ दिक्कतें हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि आखिर हमारी पुलिसिंग में दिक्कत क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में दो पॉइंट्स आ जाते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं कि जो पुलिसिंग का आज डिज़ाइन है वो कॉलोनियल माइंडसेट का है, दैट्स वाई वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। दूसरी बात, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो पुलिस को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, उनकी फंक्शनिंग में इंटरवीन करता है, दैट्स वाई वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। लेकिन हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए, पुलिस इज द इंस्टीट्यूशन जहां पर हम अक्सर देखते हैं कि वो अपनी कोर्सिव फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी खुद की पॉपुलेशन के खिलाफ। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस किसी व्यक्ति को अच्छे से डील नहीं करती, ऐसे केसेस आपके सामने यूजुअली आ जाया करते होंगे, और आपके सामने ऐसे केसेस भी आ जाते होंगे जहां पर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि पुलिस गलत तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है। अब क्या इसके लिए भी उन्हें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आवश्यकता पड़ती है, या फिर वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ये सारे काम कर लेते हैं? राइटर ये कहते हैं कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इंटरवीन करते भी हैं तब भी उनके पास इनफ पावर होती है कि वो पुलिसिंग में सुधार ला सकते हैं। अगर वो पुलिस जो अपने मनमाने तरीके से अपनी पावर्स का कोर्सिव तरीके से इस्तेमाल करती है, क्या वो अपनी पावर्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्या उसके लिए भी उसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास इनफ पावर होती है कि जिस तरीके से अपनी पावर्स का मिसयूज कई बार वो करते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, उसी तरीके से अपनी पावर्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइडियली जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्हें ह्यूमन राइट कमीशंस को या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ को वेलकम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये कुछ लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, जब भी कोई ह्यूमन राइट कमीशंस बिठाए जाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर तो वो उसका विरोध करते हैं। तो ये सारे काम अगर किए जाएं तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अब क्या करने की आवश्यकता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्हें लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, बजाय इसके कि वो अपने आप को आइसोलेट रखें। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं अगर उनके साथ जुड़कर काम करेंगे तो वो और बेटर पुलिसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए लोगों का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो सकता है? जो लोकलाइज्ड पुलिसिंग प्लान्स हैं उनको लोगों के कंसल्टेशन के साथ तैयार किया जाए। देखिए, जो बीट पुलिसिंग है केरला की, वो एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। बीट की वैसे लिटरल मीनिंग ये होती है, जो पुलिस ऑफिशियल्स दौरे पे जाते हैं तो जो लोकेशन होती है उसे कई बार बीट कह दिया जाता है, या फिर जितने समय के लिए वो जाते हैं उस पीरियड को बीट कह दिया जाता है। बीट पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिक में ये है कि लोगों के साथ अलाइन हुआ जाए, लोगों के साथ जुड़कर पुलिसिंग के काम को किया जाए। तो केरला में इस काम को किया जा रहा है, तो ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है। दूसरी बात, ट्रेनिंग। अगर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो जो बैड सीट्स हैं जिसके ज़रिए कई बार दिक्कतें आ जाती हैं पुलिसिंग में, उसे ठीक किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान इस बात का ध्यान दिया जाए, प्रिजुडाइज का टेस्ट किया जाए कि कोई जो इंडिविजुअल है, जो पुलिस है, उसके मन में कोई किसी
सेक्ट को लेकर, किसी आइडियोलॉजी को लेकर प्रिजुडाइज तो नहीं है, क्योंकि जब ऐसे केसेस आ जाते हैं उसके सामने तो वो अच्छे से डील नहीं कर पाता। तो प्रिजुडाइज को हटाने का प्रयास किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को डेवलप किया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं अल्टीमेटली उनको इनकलकेट किया जाए ट्रेनिंग के दौरान, तो अच्छी पुलिसिंग हम अटेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हायरार्की में ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच में गैप कम होना चाहिए। अब एक जो लोअर स्ट्रेटा में होता है पुलिस ऑफिशियल और एक जो हायर स्ट्रेटा में होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप और अदर तरीके के जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इन गैप्स के चलते जो आउटसाइडर्स हैं, या आप कहना चाहते हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कह लीजिए, वो उनके इस गैप के बीच में इंटरवीन करते हैं। और इस लिहाज से ये जो लोअर स्ट्रेटा का ऑफिशियल है वो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन पे काम करने लगता है, बजाय इसके कि वो अपने अपर स्टेटा के ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करे। तो कमी यहाँ गैप में है। अगर इस गैप को फिल कर दिया जाए तो ये जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यहाँ पर होता है उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो जो हायरार्की में गैप है उसे भी कम किया जाना चाहिए। चौथी बात, जो अबव ऑल हमने कई सारी बातें की, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सीनियर मैनेजमेंट है उसे पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को री इमेजिन करना होगा, जो कॉलोनियल इमेज है उसके बाहर निकालना होगा, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्हें इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर अडिग रहे, कि वो लॉ को अपहोल्ड करेंगे, वो उनकी सर्विस है, वो उसे किसी भी तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें हर व्यक्ति अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताए गए थे। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि दिसंबर में ये जो लीडरशिप कंक्लेव होने वाला है, ये एक बार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो कई सारे इश्यूज हैं हम उन्हें एड्रेस कर लें। अगर इस बार भी हम इन इश्यूज को अनएड्रेस छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी जो हम खो चुके होंगे, तो हम इसके कंसिक्वेंसेस को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा किया गया तो इससे पब्लिक भी सफ़र करेगी और पुलिस भी सफ़र करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखते हैं अगला आर्टिकल, स्टिल हाउस पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं। देखिए थर्सडे को, यानी कि आज फ्राइडे है तो थर्सडे मतलब कल, जो ऑन गोइंग विंटर सेशन है पार्लियामेंट का उसका 8वां दिन था। राज्यसभा को एडजर्न कर दिया गया कुछ मिनट्स की मीटिंग के बाद ही। एडजर्न करने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड बताकर सिटिंग को रोक दिया जाता है। लोकसभा भी 3 बार एडजर्न हो चुकी है। जल्दीबाजी में 2 बिल्स को पास किया गया आफ्टरनून में, जबकि पता था कि थर्ड और फाइनल एडजर्नमेंट होने वाला है, शेड्यूल हो चुका था। तो जो 8वां दिन था हाउस का वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। रिपीटेड डिसरप्शन देखने को मिला, जो अपोजिशन पार्टीज से उनकी डिमांड थी कि राफेल डील जो हुई है उसको लेकर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, और भी जो लोकल पार्टीज हैं उनकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं जिनके आधार पर इस प्रोसीडिंग को डिसरप्ट किया गया, अच्छे से डिबेट एंड डिस्कशंस को कंडक्ट नहीं होने दिया गया। अभी तक जो 48 सिटिंग आवर्स अवेलेबल थे पार्लियामेंट के लिए उनमें काम कितना हुआ, लोकसभा में ये सिटिंग केवल 7 घंटे के लिए हुई, ओनली अबाउट 7 आवर्स, और राज्यसभा में तो ये सिटिंग 48 घंटों में मुश्किल से ही 2 घंटे के ऊपर हो पाई है। तो क्या 8वें दिन में कुछ भी नया था इस सेशन के, या कुछ भी अनयूजुअल था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेशन डिफरेंट नहीं था इसके पहले जो सेशन हुए हैं उनसे भी। काफ़ी लंबे समय से एक बहुत ही गलत तरीके का पैटर्न हमारे पार्लियामेंट में चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट पोलिटिकल इशूज़ हैं उन्हें शट डाउन कर दिया जाता है, अच्छी तरीके से उन पर डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, और बार बार जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको डिसरप्ट कर दिया जाता है। फार्मर्स डिस्ट्रेस, जॉबलेसनेस, ये कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन्हें डिस्कस किया जाना था। यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट को एक मिरर की तरह काम करना चाहिए था, हमारी कंट्री के इन इश्यूज और चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन जो डाइफंक्शनिंग है हमारे पार्लियामेंट की वो इस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और ऐसा नहीं कि दिक्कत केवल पार्लियामेंट की है, एक्चुअली में ये इंडिया के कई सारे इंस्टीट्यूशंस में दिक्कतें चल रही हैं, हर इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, और पार्लियामेंट भी उसी का एक हिस्सा बनता हुआ चला जा रहा है, क्राइसिस गहरा होता जा रहा है। एक इसका बेसिक रीज़न आपको जानना चाहिए। बेसिक रीज़न ये है कि इसके लिए जो लोग हैं वो इलेक्टोरल पेनल्टी नहीं लगाते। अगर पार्लियामेंट को शट डाउन किया जा रहा है, बार बार काम नहीं किया जा रहा है जिसके लिए MPs को चुना गया है, या लेजिस्लेचर के केसेस में MLAs को चुना गया है, स्टेट की बात हम कर रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए पनिश नहीं किया जाता कि आपको चुना गया है कि आप जाके पार्लियामेंट में काम करें, और आप हो हल्ला मचाते हैं और काम नहीं करते, प्रोसीडिंग्स को शट डाउन कर दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता, डिबेट्स नहीं होते, तो आखिर आपको क्यों चुना गया है? इस बात के लिए पनिश नहीं किया जाता। बाय ऑल अकाउंट अगर किसी पार्लियामेंटेरियन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है
तो उसे इलेक्शंस में रिवॉर्ड भी नहीं किया जाता, और अगर पार्लियामेंट्री नॉन परफॉर्मेंस हुआ है तो उसके लिए पनिश भी नहीं किया जाता। जब तक लोग इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इफिशियंट नहीं हो पाएंगी। तो कंक्लूजन में यही बात कही गई है कि अब समय आ चुका है कि जो पुराने गतिरोध है उन्हें समाप्त किया जाए और नई सफलता की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ देखा। अगला आर्टिकल, इट इज़ नॉट बॉटम अप, पेपर टू और पेपर थ्री दोनों से जोड़ सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रहा, उसमें 23 स्पॉट उछलकर 77 पर आ गई। 190 देशों में ये इवैल्यूएशन किया गया था, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कैसे इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से अपनी स्थिति को सुधारा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। 2015 में ये रैंकिंग 130 थी, 16 में भी ये 130 रही, 2017 में हम 100 पे पहुँचे और 2018 में हम 77th रैंक पे आ गए हैं। तो अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। आर्टिकल में एक नया डायमेंशन दिया गया, उस पर चर्चा करते हैं। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, डिस्कस किया था मनीष सबरवाल जी का, लूडो वर्सेस स्नैक एंड लैडर, 29 नवंबर को आर्टिकल पब्लिश किया गया था। ये आर्टिकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर ही था। रेटर कहते हैं कि वो भी एग्री करते हैं कि इंडिया ने जो 77th पोजीशन अटेन की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग में वो काफ़ी रिमार्केबल है, और वो इस बात पे भी सहमत हैं कि काफ़ी सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि उनका ये मानना है कि जो रिफॉर्म होना चाहिए वो सिविल सर्विसेज में होना चाहिए, सिविल सर्विसेज के काम करने के तरीके में होना चाहिए। देखिए, जो आर्टिकल है वो फोकस करता है कि हायर लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज में अगर रिफॉर्म किया जाए तो वो कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को और बेहतर कर सकता है। देखिए, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी की रोल प्ले करते हैं, और वो इन रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड भी होते हैं और वो इस बारे में लीड भी लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सेक्रेटरी ही थे जिन्होंने स्टेट्स के रैंकिंग का प्रावधान तैयार किया था कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर स्टेट्स को भी रैंक करेंगे, और इससे काफ़ी कॉम्पिटिशन हो गया स्टेट्स के बीच में, जिससे हमारी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो भी इंक्रीज हुई। तो जो ये अच्छे रिफॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये हायर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पर भी संज्ञान लेना चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा इवैल्यूएशन करें यहाँ पर, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैडली डिसाइडेड टू मूव अहेड। भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो स्टेट्स को रैंक किया जाएगा वो एक परसेप्शन के बेसिस पे भी किया जाएगा। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में परसेप्शन बहुत वैल्यू रखता है। इन्वेस्टमेंट परसेप्शन के जरिए ही अट्रैक्ट होता है। ग्राउंड लेवल पर रियलिटीज़ क्या हैं वो तो बाद में पता चलती हैं, उसको जज करना इतना आसान भी नहीं होता, वो काफ़ी वोलाटाइल भी होती हैं। लेकिन जो एक परसेप्शन होता है वो या तो इन्वेस्टर को रोकता है या फिर वो अट्रैक्ट करता है। अगर किसी स्टेट का परसेप्शन बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बिजनेस का एटमॉस्फेयर बहुत ठीक ठाक है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो फायदा होगा, यहाँ पे काम करना ईजी है, तो इन्वेस्टर्स वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। और परसेप्शन को डिटरमाइन करने के बाद अगर किसी स्टेट को रैंक किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई IIM लखनऊ, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। उन्होंने अपनी स्टडी में रिवील किया कि कई तरीके के अच्छे पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएट किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी कई सारे एरियाज वीक रह गए हैं। जैसे इंडस्ट्रीज को आज भी ऐसा लगता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए, प्लॉट्स को रजिस्टर करवाना, टैक्स इशूज़ को लेकर, डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, जो पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो अभी भी उत्तर प्रदेश में टफ बना हुआ है। जो सिंगल विंडो का आइडिया है वो ग्राउंड लेवल पे अभी भी रियलिटी के तौर पे ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। वैसे तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लियरेंस की बात कर दी गई है, दैट टू इन टाइम बाउंड मैनर, लेकिन फिर भी बार बार एक टेंडेंसी बनी हुई ऑफिशियल्स में कि वो अननेसेसरी इशूज को लेकर प्रोसीडिंग्स को या फिर जो उनका प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को कंपेल किया जाता है कि वो कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर्स को विजिट करें और तभी उनका काम हो पाता है। तो जो एटमॉस्फेयर है ओवरऑल वो अच्छा नहीं बना हुआ है। तो अगर हर स्टेट में जो ग्राउंड लेवल का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा हो जाएगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हम और अच्छी रैंकिंग अटेन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्रीज का उसे ऑनलाइन करना होगा, ऑटोमेटिक करना होगा, इमीडिएट करना होगा। जो लोगों का माइंडसेट है वो भी चेंज करना होगा। ट्रेनिंग देनी होगी ऑफिशियल्स को, परफॉर्मेंस को लिंक करना होगा ऑफिशियल्स के, ये जो अगर वो कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रिफॉर्म को लेकर तो उसे उनके परफॉर्मेंस में इवेल्युएट किया जाए, और बिजनेस एक्टिविटीज़ को बेहतर करने के लिए अगर उन्होंने कोई इंटरफेरेंस किया है, कुछ अच्छा इंटरफेरेंस किया है या जो इंटरफेरेंस होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया है तो उसे भी उनके परफॉर्मेंस में कैलकुलेट किया जाए। एक्चुअली में लोअर स्टेटा पर ये दिक्कतें आती हैं। अगर सीनियर ऑफिसर्स इस बात को संज्ञान में लेते हैं ब्यूरोक्रेसी में
तो ये काम अच्छे से किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, डिफरेंशिएट द बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, तीनों के बीच में आपको अंतर बताना है, जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और अंत करने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, 2019 के लिए टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है प्रीलिम्स के लिए, इसमें कन्वेंशनल और करंट अफेयर्स दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। जो इस टेस्ट सीरीज की फीस है दैट इज़ 1800 फॉर 18 टेस्ट, रीजनेबल है। और इसका जो शेड्यूल है वो आपके सामने है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसे लैपटॉप में देख रहे हैं तो फिर आप इसकी एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अल्लाह।